hello everyone welcome to chapter 15 part 2 uh, chapter name is economic development in last video we discussed about the economic activity non-economic activity uh, the meaning of economic development and features of developing economy यर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ये वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं तो वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट अगेन विच आई एम डूइंग एवरी टाइम दैट लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सेंड मी योर कॉमेंट्स एंड सजेशन्स एज़ वेल एज वेल एज योर क्वेरी तो लेट स्टार्ट द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो वेरियस ऑक्युपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासीफाइड इन थ्री सेक्शंस तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जितने भी ऑक्युपेशन्स uh, uh, है उसको तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है एक है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड थर्ड सर्विस सेक्टर और ट्रेटरी सेक्टर इज सर्विस सेक्टर ये तीन सेक्टर में कोई भी इकोनॉमी जो है उसको डिवाइड किया जाता है द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिकोगनाइज एज कॉमर्शियल स्ट्रक्चर ऑल दिस थ्री सेक्शंस एंड एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन धैम में बी क्लासीफाइड एज फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ सचेस कैटल वेयरिंग कैटल ब्रीडिंग फिशिंग पोल्ट्री फार्म कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट माइनिंग ऑफ रोम मेटल एक्सेट्रा आर इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर सेक्शन तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सेकेंडरी जो सेक्टर है उसमें आती है इंडस्ट्रीज तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन electricity, gas and water supply are included in this section. this section is also in, uh, acknowledged as industry, which in includes production from, from small pin to uh, giant machines. Uh, third is service sector. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज़ आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन सर्विसेज़ लाइक ट्रेड कम्युनिकेशन एयरवेज वाटरवेज एजुकेशन हेल्थ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टूरिज़म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर तो ये कोई भी इकोनॉमी के वर्ल्ड की कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के ये तीन सेक्टर हैं डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो रेशियो आप देख रहे हैं वो हमारा है इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन है जिसमें अगर हम देखने जाए तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका टोटल जे डी में पार्टिसिपेशन है एटीन परसेंट इंडस्ट्रीज़ का है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट और सर्विसेज का है फिफ्टी सेवन परसेंट अब ये जो एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट uh, को ये जीडीपी डी पी है अगर एम्प्लॉयमेंट किस में कितनी मिलती है तो एग्रीकल्चर में फोटी सेवन परसेंट लोग एंगेज है टोटल पॉपुलेशन के इंडस्ट्रीज में ट्वेंटी फाइव और सर्विसेज में ट्वेंटी एट परसेंट तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि डेवलप नेशन में ये जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं सेवेंटी इंडस्ट्रीज़ में या तो सिक्सटी परसेंट गिन लो इंडस्ट्रीज़ में ही इतने ज़्यादा होते एग्रीकल्चर में हार्डली एट टू टेन परसेंट बस इतने लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं इसलिए वो डेवलप नेशन है क्योंकि सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जब सर्विस सेक्टर में काम करते हैं तो सर्विस सेक्टर नीड हाई क्वालिफिकेशन एंड स्किल क्योंकि सर्विस सेक्टर में डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है तो यहाँ आपकी स्किल डेवलप्ड होती है तो जब कोई कंट्री में सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट लोग एग्रीकल सर्विस सेक्टर में हैं तो इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जाता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़ तो प्राइमरी सेक्टर का जो डोमिनेंस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और कोई काम आता नहीं है इसलिए एग्रीकल्चर में एंगेज हो जाते हैं वहाँ पे कोई डिग्री या सर्टिफिकेट तो कोई मांगता नहीं है प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम नंबर इन जी डी पी द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेसन एंड नेशनल इनकम प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इज़ हाई हाउ एवर एज देर इज़ राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजिज इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर इनक्रीजेज तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे एग्रीकल्चर जो फील्ड है एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ से लोग ट्रांसफ़र हो के या तो सर्विस सेक्टर में जाते हैं या तो फिर इंडस्ट्रीज सेक्टर में जाते हैं इस तरह से ये डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ये है हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अब हमें देखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो देखते हैं तो उससे पहले मुझे यहाँ पे एक चेंज करना है चैप्टर मैंने गलत डाल दिया है ओके okay, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो है जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार है एक लैंड एक लेबर एक कैपिटल और एक एंटरप्राइजेस या तो एंटरप्रीन्यर ये चार के बिना कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती नहीं है चाहे लार्ज स्केल हो या स्मॉल स्केल ये चार फैक्टर एक साथ में होने ही चाहिए अदरवाइज़ क्या होगा कि प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर इफेक्ट आती है प्रोडक्शन चालू हो ही नहीं सकता है तो ये हम समझते हैं पहले टेक्स्ट बुक के जो मटेरियल है उसको देखते हैं प्रोडक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर लेबर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन दिस फैक्टर्स आर डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स लैंड कैपिटल लेबर एंड एंटरप्रीन्योरसिप तो जो भी प्रोडक्शन है उसके अंदर बहुत सारे कमोडिटीज़ का यूज़ होता है और ये जितने भी मटेरियल्स उसमें यूज़ होते हैं जो भी टूल्स उसमें यूज़ होते हैं उसको ये चार कैटेगरी में डिवाइड किया है लैंड यानी आप समझ लो आपकी आपका फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है वो समझ लो कैपिटल यानि उसके अंदर जो मशीनरीज हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो समझ लो लेबर यानी वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उसको समझ लो और एंटरप्रेनियरशिप यानी ये सबका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली कर सके जो ये रिस्क ले सके प्रोडक्शन का वो एंटरप्रेनियरशिप अब यहाँ पे पहले चारों चारों को समझ लेते हैं फर्स्ट लैंड तो इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट रिवर्स माउंटेन्स मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ मेटल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस थर्स लैंड इज नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन यानी जहाँ से ये भी रॉ मटीरियल प्रोवाइड होगा वो लैंड में काउंट होगा कैपिटल मैन मेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स हाउसेज एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन कैपिटल प्रॉपर्टी एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा तो जो भी आप बिल्डिंग बनाओगे उसके लिए पैसा चाहिए या जो भी एसेट्स आपको चाहिए या जो भी टूल्स चाहिए जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो सब कैपिटल में आएगा लेबर तो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू तो ऑब्टेन मॉनेटरी गेन तो लेबर किसको बोलेंगे कि जहाँ पे मेंटल और फिज़िकल यानी मेंटल वर्क वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो वरना भी फिजिकल वर्क ही करना पड़ता है क्योंकि वहाँ दिमाग तो चलता नहीं है अभी डॉक्टर बनना है तो मेंटल वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे फिज़िकल वर्क करने जाओगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा इसलिए यहाँ पे मेंटल वर्क जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है पर जो भी मेंटल वर्क हो या फिज़िकल वर्क हो पैसे कमाने के लिए वो अगर किया जाए तो उसको हम लेबर में काउंट कर सकते हैं लेबर इज़ अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन के जो चार फैक्टर हैं उनमें से ये लिविंग फैक्टर है वर्क ऑफ फार्म लेबर वर्कर्स टीचर्स डॉक्टर्स आर्टिशियंस एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड लेबर तो ये सबको लेबर में काउंट कर सकते हैं एंड लास्ट है एंटरप्रीनियरशिप द पर्सन हु एफिशियंटली कम्बाइंस द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड एंटरप्रीनियर द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेनियरशिप तो जो पर्सन ये तीनों तीन फैक्टर लैंड कैपिटल और लेबर को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है उसको एंटरप्रीनियर बोलेंगे और ये जो प्रोसेस है प्रॉफिट गेन करने की उसको बोलेंगे एंटरप्रनियरशिप अब फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है कैपिटल है एंटरप्रीनियर भी है यानी आप खुद ये सब मैनेज कर सकते हो पर आपके पास लेबर नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्शन चालू होगा नहीं अब सपोज लेबर है कैपिटल है एंटरप्रेनियरशिप है पर लैंड नहीं है रॉ मटेरियल नहीं है तो भी आपका बिजनेस नहीं चालू होगा अब लैंड है लेबर है एंटरप्रेनियरशिप है पर कैपिटल नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है तो नहीं होगा लैंड है कैपिटल है और लेबर है पर उसको मैनेज करने वाला कोई आइडिया नहीं है कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है को कोई कोई डेरिंग करने को तैयार नहीं तो भी ट्रेड होगा नहीं तो ये चार जो है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये आगे जितना भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहाँ पे कंटिन्यू आपके साथ ही रहेंगे अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से और कैसे होता है तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सिस टू फुलफिल देम आर लिमिटेड तो हमारी जो वॉन्ट्स है हमारी जो डिज़ायर्स है वो अनलिमिटेड है और उसको फुलफिल करने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर वो सब लिमिटेड है नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी ऐसी टेक्निक अभी तक नहीं हुई है कि हम लोग सोलर एनर्जी विंड एनर्जी ये सब एनर्जी को एक्सट्रीमली uh, यूज़ कर सके इसलिए जितने भी रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं वो लिमिटेड हैं और वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो कभी ना कभी तो वो ख़त्म हो गए देयर विल ऑलवेज़ बी स्कैसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फे, चार फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उसकी भी स्कैसिटी होती है लैंड पॉसिबल है कि हर बार अवेलेबल नहीं हो रो मटेरियल कैपिटल का प्रॉब्लम आ सकता है लेबर का प्रॉब्लम आ सकता है एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अब जब कोई वस्तु की कमी होती है वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है उसके एलोकेशन का कि कहाँ पे उसको एलोकेट करें फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिमिटेड पैसा है जिससे आप कोई एक ही सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हो तो ये परचेस करना है वो आपकी वांट है और एक ही अवेलेबल है अवेलेबल बहुत सारी है वो रिसोर्स है पर आप एक ही खरीद सकते हो तो ये उसकी स्कैसिटी हो गई अब सपोज़ आप मैथ्स की लोगे तो एस एस की रह जाएगी एस एस की लोगे तो साइंस की रह जाएगी साइंस की लोगे तो इंग्लिश की रह जाएगी ये सिचुएशन तो इसको बोलते हैं कि अब जो पैसा आपके पास है उसको आप कहाँ पे एलोकेट करोगे कौन सी वो बुक आप लोगे कि सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स ले ली तो मैथ्स में आपको बेनिफिट होगा पर उसके सामने बाकी सब्जेक्ट जो है वो आपकी चॉइस में से गए अभी वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका अरे uh, ये जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन कैसे करें मैनी क्वेश्चन अराइज सच एज़ वाई वैन एंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्स कैन बी यूज तो इसके इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि कहाँ कैसे किस तरह से ये जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको यूज़ करें तो उसमें टॉपिक्स है एक देखते हैं अनलिमिटेड वांट्स तो ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड सो मैनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट बहुत सारी बहुत सारे वांट्स uh, जो हैं हमारी uh, हमारी जितनी भी वांट्स है वो अनलिमिटेड है पर कुछ वांट्स ऐसी होती है जो एक वांट एक वांट में से जनरेट होती है मैनी रिक्वायरमेंट्स आर टू बी फुलफिल अगेन एंड अगेन वाइल मैनी वॉन्ट्स अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्स बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स वांट्स बिकम अनलिमिटेड सो इन ऑर्डर टू फुलफिल दांट्स ऑन वन हैज़ टू मेक सिलेक्शन अमोंग वांट्स तो कुछ वांट्स ऐसी होती है जो कंटिन्यूज <coughs> हमें फुलफिल करनी पड़ती है और फुलफिल करने के बाद वापस वही वांट्स अराइज़ भी हो जाती है जैसे भूख लगना तो एक बार आपने खाना खा लिया तो ऐसा नहीं है कि वो एंड हो गया सुबह में खाया दोपहर में वापस खाना पड़ता है तो ये ये अराइज हुई वांट्स उसको फुलफ़िल तो किया पर वापस से वो वांट्स सामने आ गई और कुछ ऐसी होती है वॉन्ट्स जो साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से होती है जैसे आ, नया मोबाइल फ़ोन आ गया टैबलेट आ गया तो ये वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है वैसे तो देखने जाए तो वॉन्ट्स के थ्री टाइप्स भी हैं एक ऐसी वांट्स होती है जो नेसेसरी होती है जिसको फुलफ़िल करना ही पड़ता है एक ऐसी वान्टस होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको डिले कर सकते हैं उसको और एक ऐसी वॉन्ट्स है जो हम परमानेंटली कैंसिल कर सकते हैं अब फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन लिख दी अब ये हमें नेसेसरी है लानी ही पड़ेगी वहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब वहाँ पे हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं कि कोई टूल अगर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मंगाया तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई इसके बदले कुछ है, और है ये नेसेसिटी हो गई सेकंड वन से वो थोड़े टाइम के लिए हम डिले कर सकते हैं जैसे अभी आपको टेंथ में हो तो बाइक चाहिए होगा पर योर एज इज़ नॉट सफिशेंट फॉर लाइसेंस तो यहाँ पर आप रुक सकते हो कि भाई ट्वेल्थ पास हो जाने दो उसके बाद हम बाइक ले लेंगे तो ये यहाँ पे आपने वेट किया और कुछ वॉन्ट्स ऐसी हैं जो कैंसिल ही कर सकते हैं जैसे कि मर्सडीज़ कार लेना अभी इनकम टेन थाउजेंड है और मर्सडीज़ कार तो वो फुलफिल होने का चांसेस बहुत ही कम है तो यहाँ वो वॉन्ट्स कैंसिल भी हो सकती है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि कौन सी वॉन्ट्स को हमें किस तरह से फुलफिल करना है सेकेंड है इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नेसेसिटी as the resources to satisfy wants are limited the individuals has to decide which want is more important to jaise maine abhi textbook ka aapko bola ke maths ki hai science ki hai ss ki hai english ki hai ab kaun si textbook leni hai he has to satisfy his requirements in the other of priority order of priority to yahan pe requirements जो है उसको कैसे satisfy करना है वो priority के ऊपर depend है कि अभी नेसेसरी कौन सी है SS की के मैथ्स की कि साइंस की के इंग्लिश की विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाई अर्ली एंड लेटर ऑन द अदर्स तो जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है वो बुक हम पहले लेंगे बाकी की बुक हम बाद में लेंगे थर्ड है लिमिटेड रिसोर्सेज तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ ऑल दिस टूल्स आर लिमिटेड सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशली तो जितने भी हमारे पास रिसोर्स है वो सब लिमिटेड है मैन मेड हो या नेचुरल हो उसको जो भी हम यूज़ करें वो वाइजली यूज़ करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वॉन्स इन द सेंटर तो जितने भी टूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये कंट्री के लिए है कि कंट्री में जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो गवर्नमेंट को वो सेक्टर की डिमांड या तो नेसेसिटी को देख के वो सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड लास्ट द अल्टरनेटिव यूसेज ऑफ द रिसोर्सेज कि एक के बदले में दूसरे का यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड नॉट ओनली दिस दे हैव अल्टरनेटिव यूसेज आल्सो व्हेन एनी टूल्स ऑफ प्रोडक्शन मे बी यूटिलाइज इन मोर देन वन वे इट मींस दैट द टूल हैज मल्टीपल यूसेज तो कोई भी टूल है जिसको एक ही जगह पे एक ही वस्तु के लिए यूज़ कर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके जो बाकी यूज़ है वो हम नहीं कर रहे हैं सो इट मे बी सेट दिस यूसेज इज़ अल्टरनेटिव यानी अगर हम वो अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वीट इज़ सोन इन लैंड बाजरा माइज ग्राउंड नट और एनी अदर इल कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप तो यहाँ पे भी जो है वो बाजरा या तो माइज या तो ग्राउंड नट की जो लैंड है वहाँ कल्टिवेट नहीं होगा तो यहाँ पे हमने लैंड का जो अदर यूज़ है उसको स्टॉप कर दिया है थर्स इन अबउ मैंसन कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ डन इन सच अ वे दैट दे सेटिस्फाई टू मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड्स तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिम डिमांड को फुलफिल करे हंड्रेड परसेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है इसलिए अगर लिमिटेड डिमांड होती होती तो हम हंड्रेड परसेंट ये जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुलफ़िल कर सकते थे पर हाँ डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है वॉन्ट्स जो है अनलिमिटेड है तो यहाँ पे टारगेट ये करना है कि मैक्सिमम फुलफिल अगर मैक्सिमम फुलफ़िल हो रही है नीड्स uh, या तो डिमांड तो ये जो चार फैक्टर है उसका यूटिलाइजेशन परफेक्ट हो रहा है ऐसा बोला जाता है अब हमें देखना है मैथज़ ऑफ़ एलोटिंग ऑफ रिसोर्सिस इसको कैसे एलोट किया जाता है वो तो यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो हमें दो मेथड यहाँ पे मिलती है एक है मार्केट सिस्टम और दूसरी है सोशल सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको समझना ही है आगे जाके इलेवेंथ ट्वेल्थ में ये टॉपिक फाइव मार्क्स के आंसर में भी आ सकते हैं एवरी नेशन ट्राइज टू अटेंड स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाई मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज़ तो हर एक कंट्री जो है हर एक नेशन है वही चाहता है कि स्पीड एकदम स्पीड से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिले अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड्स मार्केट मेकेजम एंड सोशल सिस्टम बोथ द सिस्टम आर ओपोजिट टू इच अदर बाय मीनिंगलिंग बोथ सिस्टम में अदर मैथड हैव डेवलप्ड एवरी कंट्री एक्सेप्ट वन और द अदर मैथड एज पर देर रिक्वायरमेंट तो कोई भी कंट्री है ये दोनों में से कोई भी एक मेथड तो यूज़ करती होंगी या तो दोनों मेथड यूज करते हैं तो ये हमें जानना है कि ये एक्चुअली में मेथड क्या है तो मार्केट सिस्टम को देखने जाए तो ये एक्चुअली में प्राइवेटाइजेशन जैसी मेथड है जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होता है जिसको कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं अब जनरली जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पर ये सिस्टम ज़्यादा हमें देखने को मिलती है तो यहाँ जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही है गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एन रोल इन दिस मेथड तो नेशंस लाइक अमेरिका जापान एक्सेट्रा हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम मार्केट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन दिस मेथड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट स्कोप तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉफिट का होता है और प्रॉफिट का इम्पोर्टेंट कहाँ किसको सबसे ज़्यादा होता है तो जो प्राइवेट सेक्टर की जो फील्ड्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रॉफिट का होता है इसलिए ये कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है इसको इन दिस सिस्टम इन प्रोडक्शन एंड इज रिलेटेड एक्टिविटीज प्रॉफिट इज़ एट सेंटर तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है या जो भी ये फैक्टर्स को यूज़ करते हैं उसका मेन जो बेस होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करना पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही फील्ड में ज़्यादा होगा जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हो मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम तो ये अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं uh, मैं आपको कुछ नाम आपको मार्केट के बताता हूँ अभी खाली आपके आइडिया के लिए बाकी यही टॉपिक आपको जब इलेवन स्टैंडर्ड में जाओगे और कॉमर्स फैकल्टी में रहोगे तो आपको यही टॉपिक वापस पढ़ने में आएगा कि अलग अलग टाइप के मार्केट्स कौन से कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको खाली एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो होते हैं वो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है फिर मोनोपोली मार्केट होता है फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है ओलिगोपोली मार्केट होता है ये अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं कंपटीशन के बेस के ऊपर फिर क्वांटिटी के बेस के ऊपर मार्केट होते हैं उसमें होलसेल मार्केट है रिटेल मार्केट है, है लोकेशन के बेस के ऊपर अगर देखने जाए तो लोकल मार्केट है रीजनल मार्केट है नेशनल मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है तो ये सब मार्केट है और मार्केट की डेफिनेशन भी होती है कि जहाँ पे सेलर्स और बायर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको मार्केट बोलते हैं पर हमें यहाँ ये यह बात नहीं करनी ये आपके खाली इंफॉर्मेशन के लिए था तो जो मार्केट होता है ये ये मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि ये मार्केट कंप्लीटली फ्री होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम होता है या तो बिल्कुल नहीं होता है कंपटीशन प्लेज अ विटल रोल इन द मार्केट ये मार्केट में कंपटीशन जो है वो मेन है कि जो अच्छा और सस्ता बेचेगा उसके पास कस्टमर जाएंगे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द ओनर हैज़ टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंड इन ऑर्डर टू अपटेन मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहाँ ओनर का काम क्या है कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है जिससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके बिकॉज ऑफ़ दिस मैथड मैनी न्यू रिसर्चर रिसर्च आर डन एंड न्यू मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड तो इस मार्केट की वजह से नई नई रिसर्च हुई है और नई मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हुई सो प्रोडक्शन इज़ द मैक्सीम इसकी वजह से प्रोडक्शन मैक्ममम क्योंकि ये अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वो इसका एग्जाम्पल है क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना था क्यों बढ़ाना था क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था तो यहाँ पर रिसर्च होती रहती है कि किस तरह से प्रोडक्शन को मैक्सिमम किया जाए लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि जितने लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको उससे कंपनी को या तो इंडस्ट्रीज़ को मैक्सिमम बेनिफिट होगा और यही इनका पर्पस होता है सो प्रोडक्शन इज़ द मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज टेक प्लेस टेक्स प्लेस अब यहाँ पे हमें जो फीचर्स है इसके और उसके बेनिफिट्स और लिमिट जो है वो देखनी है तो द कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड यहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है वो दिखता नहीं है पर होता है एज द स्टेट डज नॉट इंटरफियर दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्री इकोनॉमी यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी अपना रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं कर सकती है इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है तो फीचर्स ऑफ मार्केट मिकेनिज्म इन सिस्टम तो सबसे पहला फीचर्स है ओनरशिप ऑफ रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इधर इंडिविजुअल और प्राइवेट तो यहाँ पे जो ओनरशिप होगी वो इंडिविजुअल होगी या तो प्राइवेट होगी सेकंड है प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट यहाँ पे जो भी काम होता है वो खाली प्रॉफिट के लिए होगा थर्ड है कंज्यूमर्स गेट गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस क्योंकि यहाँ कंपटीशन ज़्यादा है तो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और ग्लोबलाइजेशन जो है वो इसका ही मार्केट uh, सिस्टम का ही रिजल्ट है कि आपको हरेक क्वालिटी uh, की हर एक टाइप की बहुत सारी चॉइस मिलेगी कोई भी प्रोडक्ट की कोई भी कॉमोडिटी की नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस इज नॉट देयर इन दिस सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियर नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट तो यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रीन्यूर कहाँ पे इन्वेस्ट हो गया तो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफ़िट होगा वहाँ पे एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकल डिसीजन लेते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना है कम करना है लेबर्स बढ़ाना है कम करने है ये सब डिसीज़न जो होते हैं वो प्राइस के प्राइस uh, को माइंड में रख के किए जाते हैं अब ये सिस्टम के जो बेनिफिट हैं वो हमें देखने हैं तो बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मेकेज़म सिस्टम तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज़ प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम यानी कोई भी जो जो ऐसा सोचता है कि मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ वो यहाँ पे आ, इजीली कोई भी बिजनेस चालू कर सकता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेकंड रिसोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशियंटली क्योंकि ये प्राइवेट है यहाँ पर मैक्सिमम जो टारगेट है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का है और प्रॉफिट मैक्सिमम तभी होगा जब हंड्रेड परसेंट जितने भी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उसको यूटिलाइज किया जाए थे थर्ड है एबंड प्रोडक्शन में भी डन यहाँ पे मेन टारगेट होता है प्रोडक्शन का कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा सेलिंग बढ़ेगी नेक्स्ट है न्यू एक्सप्लोरेशन कीप्स ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर यहाँ पे हर दिन नया रिसर्च होता है कुछ ना कुछ नया लाते हैं आप कोलगेट का एड देख लो पहले कॉलगेट कैसे आता था सिंपल आता था, था फिर आने लगा आपके कोलगेट में नमक है फिर क्या आपके कोलगेट में चारकोल है तो ये सब उसके एग्जाम्पल है कि यहाँ पे रिसर्च कंटिन्यूज होता रहता है और इससे क्या होता है ये तो एक स्मॉल एग्जाम्पल है बाकी बहुत सारे इससे इफेक्ट भी होता है तो इससे डेवलपमेंट स्पीड से होने लगता है क्योंकि कांस्टेंट आप जब नया सर्च करने के लिए ट्राई करते हो तो वो फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट का नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन यहाँ पे क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट है अगर क्वालिटी की क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होगी तो उसके डिमांड कम हो जाएगी और उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो यहाँ क्वालिटी के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है कि क्वालिटी इज मेन अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ये इसके बेनिफिट है साथ में कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है तो लिमिटेशंस देख लेते हैं So benefits, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मैनी बेनिफिट्स मार्केट सिस्टम इज़ नॉट परफेक्ट देर आर मैनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ इट तो ऐसे क्या इसके डिसएडवांटेज है तो फर्स्ट बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कॉमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस इन मोर क्वान्टिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कॉमोडिटीज ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज निग्लेक्टेड और रिड्यूस तो यहाँ पे मेन पर्पज़ उनका जो होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का होता है और प्रोडक्शन जो भी होता है वो वही कॉमोडिटी का होता है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ऐसी कौन सी कमोडिटी होती है जो लग्जरियस कॉमोडिटी होती है उनमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसलिए यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको निगलेट किया जाता है या तो उसमें प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जैसे इंडिया है यहाँ डेवलपिंग नेशन है यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड क्लोथ ये सब है अब उसके बदले जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो, वो महंगी महंगी कार्स और रेस्टोरा और वो सब में इन्वेस्ट हो जाएंगे तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो कॉमोडिटीज़ है उसको प्रोड्यूस कौन करेगा तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम आता है सेकंड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्टेड तो यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफियर कम है तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे उसको वाटर इजीली मिलेगा वहाँ पे फैक्ट्री डाल देगी फिर वाटर पोल्यूशन कौन देखेगा वो एयर पोल्यूशन हो रहा है कौन देखेगा लैंड पोल्यूशन हो रहा है कौन देखेगा उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है इसलिए नेचुरल रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाते हैं थर्ड है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लोइटेड तो यहाँ पर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो इतने अलर्ट नहीं होते सभी तो ऐसे नहीं होते कि बार्गेनिंग करे या पूरा नॉलेज लेके मार्केट में जाए और उसकी वजह से कंज्यूमर को भुगतना पड़ता है ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम दर इज़ इनक्रीज इन डेस्परिटी ऑफ इनकम तो यहाँ पे मेन टारगेट जो होता है प्रॉफिट का मैक्सिमम करना है और जो भी फैक्टर्स है वो उसके पीछे ही इन्वेस्ट होते हैं इसलिए इनकम मैक्सिमम गेन करने का एक एक कंपटीशन चालू हो जाए ग्रीडीनेस आने लगती है और लास्ट है देर इज़ अ फियर ऑफ मोनोपोली इकोनॉमिक एस्टाब्लिश एस्टेबिलिटी एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर एक्सेट्रा तो यहाँ पे एक मोनोपोली होने का चांसेस है मोनोपोली ऐसी होती है कि जिसमें प्रोड्यूसर uh, कम होते एक ही होता है और परचेस करने वाले बायर्स बहुत सारे होते हैं अगर ऐसी सिचुएसन आ गई तो वो जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस अपने हिसाब से सेट करेगा आ, यहाँ पे इकोनॉमी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकती है क्योंकि प्राइस अभी जो मोनोपोली जिसकी है वो उसके हिसाब से चलेगी और लेबर का भी एक्सप्लोटेशन होता है सैलरी कम वेजेस कम देते हैं और वर्कलोड ज़्यादा होता है तो ये सब इसके लिमिटेशंस है आ, अब जो दूसरी सिस्टम है सोशलिस्ट सिस्टम उसको देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट सबसे ऊपर होती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता है तो सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर्स ऑफ़ मार्केट सिस्टम कंट्रीज़ लाइक रशिया एंड चाइना हैव अचीव फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय एडोप्टिंग दिस सिस्टम तो चाइना में अगर आप देखने जाओ तो वहाँ पे गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल ही है प्राइवेट न्यूज़ चैनल को परमिशन ही नहीं है इसलिए चाइना में क्या होता है वो हमें कुछ पता नहीं चलता है तो इसकी वजह से रशिया और चाइना ने सोशलिस्ट सिस्टम की वजह से आ, बहुत स्पीड से डेवलपमेंट किया सो सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम ये उससे ऑपोजिट है इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजनज आर टेकन बाई द स्टेट मशीनरीज यहाँ पे जो स्टेट है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेन है स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन सब स्टेट के कंट्रोल में गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाई द स्टेट स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर एंड इन्वेस्टर All the decisions pertaining to production, investment, resource distribution, production distribution etc are taken after keeping the requirement of the society in mind. वहाँ पे जो भी decision होता था वो profit के वजह profit के लिए होता था. Socialist system में जो भी decision लिया जाता है वो society की needs क्या है, requirements क्या है, उसके ऊपर लिया जाता है. इन द सोशल सिस्टम राजर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट सेंटर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं सोशल वेलफेयर जो है वो सेंटर में रहता है प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सिज एंड देर प्राइजेज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी प्राइस रखनी है द रिस्पांसिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाई द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फार्मिंग इज ऑल्सो ओन बाई द स्टेट लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देर एबिलिटी एंड अकोर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम तो यहाँ पे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब गवर्नमेंट की होती है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है क्या डिमांड uh, है क्या सप्लाई है यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा आपको दिखेगा कि किस तरह से ये रोटेशन में चलता रहता है ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है अब इसके फीचर्स क्या है वो देखते हैं सोशलिस्ट सिस्टम के तो फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम तो रिसोर्स आर ओन्ड बाय द स्टेट सब सब स्टेट के कंट्रोल में होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है वो गवर्नमेंट लेगी राधर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो मेन टारगेट होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है प्रॉफिट का नहीं होता है एंड लेबर्स आर पेड वेजिस इन रिटर्न ऑफ वर्क यहाँ पे वेजिस मिलता है रिटर्न ऑफ वर्क और वहाँ पर वेजिस मिलता था जितना वर्क करोगे उसके हिसाब से वेजिस मिलेगा यहाँ पे आपका वेजेस फिक्स ही है आपको उतना काम करना है और वहाँ पे जितना काम करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा ये ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है इसको ध्यान से समझो कि प्राइवेट सेक्टर में जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और सोशलिस्ट सिस्टम में आपको पैसा जितना मिलेगा उतना आपको काम करना है ये दोनों में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे अमाउंट फिक्स है तो यहाँ पे ये यह पॉसिबिलिटी है कि लेजीनेस आ जाए जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसके बारे में हम काफ़ी बार बोलते हैं कि ये बहुत ही लेजी होते हैं इनकी सैलरी तो बहुत अच्छी होती है तो ये एक इसका फीचर है अब जो आ, इसके बेनिफिट और लिमिटेशन है वो देखते हैं तो बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का टारगेट होता है वो क्या है रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी है तो यहाँ पर जो लग्जरियस और अनइम्पॉर्टेंट गुड्स है जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉफिट गेन करने का स्कोप होता है वो प्रोडक्शन नहीं होता है एस द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट दैर तो यहाँ पर जो भी डिसीजन लेगी वो गवर्नमेंट लेगी कहीं पे भी पॉल्यूशन हो या कम से कम पॉल्यूशन हो वो सब गवर्नमेंट ध्यान रखती है डेस्पिलिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज़ रिमूव्ड अब यहाँ पे सब अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में है तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रीडीनेस नहीं रहता है एंड कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लोइटेड गवर्नमेंट सेल करती है तो गवर्नमेंट अपने रेट के ऊपर कॉमोडिटीज सेल करती है तो ये इसके बेनिफिट है अब लिमिटेशन क्या है तो सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज़ कम इन टू एक्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर टू हैज सर्टेन लिमिटेशन फर्स्ट एज द रिसोर्सिस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अब गवर्नमेंट सैलरी तो देने ही वाली है तो प्रोडक्शन करो कि नहीं करो काम करो कि नहीं करो तो यहाँ एनकरेजमेंट मिलता नहीं है सेकेंड है ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इन इकोनॉमी तो यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता है गवर्नमेंट ओनरशिप होती है इसलिए यहाँ ज़्यादा कंपटीशन नहीं होती है रिसर्च भी नहीं होती है थर्ड है देर इज़ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम अब यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है और फोर्थ है बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरप्रेंस ऑफ स्टेट देर इज़ फियर ऑफ तो यहाँ पे जो जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ में ऑथोरिटी रहती है यहाँ पे करप्शन होने का चांस है ब्यूरोक्रेसी होने का चांस है वहाँ पे मोनोपोली का चांस था तो ये इसकी लिमिटेशन है अब ये दोनों को मिला के जो मेथड एक नई बनती है वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी कंट्री में हम अप्लाई करते हैं तो पहले मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है वो देख लेते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अटैम्प एट रिमूविंग द लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम एंड ट्राइज टू एसिम्युलेट इन इट गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सिस्टम तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट सिस्टम और जो सोशलिस्ट सिस्टम है उनके जो माइनस पॉइंट है उसको निकाल के जो अच्छी बातें वो एडोप्ट की जाती है मिक्सड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस

सेक्टर्स है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप ओनरशिप होती है बाकी जो की इंडस्ट्रीज़ है कंट्री की उसकी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास ही होती है जैसे रेलवे है डिफेंस है इलेक्ट्रिकसिटी है वो अब तो इलेक्ट्रिकसिटी में प्राइवेट आ गया है पर रेलवे में अभी नहीं आया है इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री गवर्नमेंट लेस कंट्रोल इन डिफरेंट वेज फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेस हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अन थिंग्स इन दिस इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज आर एनक्रेज बाई गिविंग सब्सिडी रिलेक्सेसन इन टैक्स एक्सेट्रा तो ये गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए वहाँ इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं टैक्स रिलेक्सेशन देते हैं और अनवॉन्टेड थिंग्स का प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज करते हैं thus mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning in taking economic decision coexistence of private and public sector is accepted in system this system is also called controlled economic system because of the restriction and control countries like india france and england follow mixed economy we so far studied about market system socialist system and mixed economy एज डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सिस तो ये तीन मेथड से कोई भी इकोनॉमी वर्क करती है देर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड टूडे वेर देर इज़ एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ कंप्लीट मार्केट सिस्टम हो रही सोशलिस्ट सिस्टम हो बोथ द सिस्टम हैव लॉस्ट देर इंडिविजुअल फीचर्स एंड हैव एसिमुलेटेड इन टू मिक्सड इकोनॉमी मार्केट सिस्टम विटनेस इंडेलिजेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट एंड स्टेट इंटरफ्रेंस वाइल सोशलिस्ट सिस्टम वीटनेसिस इकोनॉमिक रिलैक्सेसन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो ये दोनों उसके जो प्लस माइनस पॉइंट है वो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी में प्लस हो जाते हैं बट डी uh, मैरिट्स आर ऑल्सो वीकनेस इन मिक्स इकोनॉमी मिक, मिक्स इकोनॉमी के भी माइनस पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा देर आर लिमिटेशन इन मिक्सड इकोनॉमी तो मिक्सड इकोनॉमी के भी बहुत सारे माइनस पॉइंट हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर का कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहता है इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई करने में प्रॉब्लम रहता है जो ग्रोथ रेट है वो लो होता है और ये सब की इफेक्ट डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर होती है तो ये भी लिमिटेशन मिक्स इकोनॉमी की भी लिमिटेशन है तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है यही टॉपिक आगे जाके इलेवंथ स्टैंडर्ड में आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर्स है उसमें से फोर मार्क्स के आंसर कंपलसरी आते हैं तो ये आपको कंप्लीटली ये वीडियो तीन चार बार देखना है या तो वीकली एक बार देखना है रिफर करना है रिविजन करना है तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सक्सेसफुली फोर मार्क गेन कर सकते हो इसमें से दो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं अभी जो 80 मार्क्स की जो पैटर्न हुई है उसके हिसाब से ये कुछ एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है और टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आपको मुझे टेक्स्ट करना है कमेंट uh, करना है सजेशन करना है और ये वीडियो आपको शेयर करना है आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थिंग प्रॉपरली इफ एनी डाउट्स आर देयर आई एम रेडी टू सॉल्व योर क्वेरी एनी टाइम यू कैन टैक्स मी योर डाउट्स एंड सजेशंस एवरी तो यहाँ पे ये वीडियो आज का ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सिक्सटीन के बारे में बात करेंगे तब तक आपको ये रिवाइज कर लेना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी बताना है और लाइक भी करना है और कमेंट्स भी देना है ठीक है थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू